चुकी है। शुभम आपसे आशा है तेजपुर धरती का राज बचाने के लिए। अमेजिंग इलाहाबादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आज बिरयानी का धमाका होने वाला है और इस धमाके में क्या होगा कैसे होगा ये नहीं पता है। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है बिरयानी ही बिरयानी, मतलब इतना बड़ा बड़ा प्लेट भर के बिरयानी लगा हुआ है। बाप रे बाप, कैसे खाया जाएगा भैया, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आइए हम पवन इलाहाबादी से ही पूछते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बिरयानी रखी हुई है, तो हमारा आज बिरयानी का चैलेंज है। एक प्लेट बिरयानी खाने वाले को 500 रूपये पुरस्कार है, तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और चैलेंज को कम्प्लीट करता है। आप लोग घबराइए मत, ये प्लेट नहीं है, जो नॉर्मल प्लेट होती है बिरयानी की वही प्लेट है। और ये तो हम मतलब सिर्फ दिखाने के लिए लगाए हुए हैं, तो चुन्नू भाई से कहेंगे इसी पे टूट पड़ो धाते क्या चुन्नू भाई, ये एक प्लेट खा लेंगे आप? ये एक प्लेट खा लेंगे बिरयानी चुन्नू जी? चुन्नू जी, इस प्लेट को देखकर पता नहीं क्या दिल में हो रही है कि कहीं मुझे खाना ही ना पड़े यार, हम बैठ गए हैं। तो चुन्नू जी आप घबराइए मत, खा ही ले डालेगा। चुन्नू जी आप घबराइए मत, आपको इतना बड़ा प्लेट में नहीं खाना है, लेकिन खाना है, कैसे खाना है पवन जी एक बार विस्तार से टर्म और कंडीशन बताएं। और अभी प्लेट लगवाते हैं और उसके बाद चैलेंजर को बुलाते हैं। कि बहुत बड़ा प्लेट, बहुत हाई प्लेट दिख रहा था, लेकिन इस चैलेंज में क्या खाना था, कैसे खाना था, अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो फुल प्लेट हमारा चैलेंज है आज, फुल प्लेट बिरयानी का चैलेंज है और यहाँ पर प्लेट लग चुका है। तो पवन जी इसके बारे में क्या कहेंगे? तो एक प्लेट ये खाना है और 500 रूपये लेकर जाना है और समय है 3 मिनट का, तो देखते हैं इस चैलेंज को कौन कौन कंप्लीट करता है, 500 रूपये की राशि कौन लेकर जाता है। और इस चैलेंज में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जितनी मर्जी अगर थोड़ी बिरयानी खा के उसका मतलब खाने का वो नहीं कर रहा है तो नहीं खाए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमारी तरफ से जितना खा सके उतना खाए, कोई जोर दबाव नहीं रहेगा। अगर खा लेगा तो चैलेंज कंप्लीट कर लेगा तो उसको इनाम की राशि मिलेगी, अगर नहीं कंप्लीट कर पाएगा तो हम उससे कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन आता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कंप्लीट करता है। तो पहले चैलेंजर के रूप में भैया जी आ गए हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार पटेल। कहाँ के निवासी हैं? सराय मोहद्दी। खाना है? शुरू कर दो भैया, शुरू कर दो। टाइमर चालू है, आप चलते रहिए। गजब का, अगर स्पीड बनाए रखेंगे तो आप खा लेंगे, अगर स्पीड नहीं बना पाएंगे। हम चाहेंगे रोशनी थोड़ा इधर आ जाएंगे तो ठीक रहेगा भैया। अभी 28 सेकंड हुए हैं, समय आपके पास 2.5 मिनट का है, बहुत ज्यादा समय है, आराम से खाइए, खा लेंगे आप, आराम से खाइए सुरेश पटेल जी, और खा लेंगे। थोड़ा स्पीड अगर प्लस रहेगी तो स्पीड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाएंगे, एंड में एक्सल पावर दिखाएंगे। नहीं, जैसे उनकी इच्छा हो इसे खाएं। अभी 50 सेकंड हुए, 3 मिनट में अगर उस प्लेट में जितनी बिरयानी है और पीस है अगर खा लेते हैं तो 500 रूपये का नगद पुरस्कार आपको मिलेगा सुरेश जी। इस समय आपके पास 1 मिनट खत्म हो चुका है, 2 मिनट का समय है अभी, आपके पास पूरा 2 मिनट का समय है। और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत गिर जाएगा नीचे चल जाएगा, लेकिन ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। इसी के साथ हम बता देना चाहते हैं, अगर भाई साहब जैसे नहीं खा पाएंगे और भाई साहब जितनी ज्यादा खाए रहेंगे, मतलब अगर भाई साहब से कम कोई खाए रहेगा तो भाई साहब को इनाम की राशि मिलेगी। जो बहुत गजब, मतलब नया बूस्टर इस समय चल रहा है कि जो सबसे ज्यादा खाए रहेगा उसको भी इनाम मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं प्लेट किसके हिस्से में इनाम की राशि लेके जाती है। गजब का, अगर नहीं खा पाओगे तो जितना ज्यादा खाए रहोगे वो बिरयानी कम खा रहे हैं, पानी में ज्यादा समय बिता रहे हैं। कोई ना जैसे उनको मतलब कंफर्टेबल लगे वैसे खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई। अभी 50 सेकंड का टाइम आपके पास बाकी है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं।
अब आपके पास समझ के चलिए 30 सेकंड बचा हुआ है सुरेश जी, इस 30 सेकंड में आप अपना एक्सेल पावर दिखा सकते हैं और एक्सेल पावर के साथ वाटर पावर भी इस समय लग रहा है। पंद्रह सेकंड आपके पास बचा हुआ है शेष, अभी आपके पास बिरयानी के साथ साथ थोड़ा सा ही बस दूर है। अरे अभी तो पूरा पूरा एक पीस ही बची हुई है, नहीं कोई अभी थोड़ा सा समय है, टाइम समाप्त हो गया। और भाई साहब हौसला दिखाएं, भाई साहब का हम धन्यवाद करते हैं। एक बार ताली तो बजा दीजिए यार भैया जी के लिए, भैया जी के लिए ताली बजी हुई है। भाई साहब आपको यह चैलेंज कैसा लगा? आप चैलेंज बहुत बढ़िया लगा, और देखते हैं भाई साहब का कितना वेट अभी बचा हुआ है, तो इसको वजन करेंगे ठीक, तो पता लगेगा हमारा मतलब चैलेंज कितना ज्यादा खाए हैं। चलिए ओके, प्लेट समेत 284 ग्राम बचा हुआ है भाई साहब का, और देखते हैं अगला चैलेंजर आते हैं उनका कितना बचता है। तो जैसे कि देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आ गए हैं, अपनी बिरयानी को सजा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह राजपूत। कहाँ के निवासी हैं? काहली। काहली ग्राम सभा से चलकर चुन्नू बिरयानी के दुकान पर आए हैं, हमारा चैलेंज को स्वीकार किए हैं। तो आपको ये ध्यान हो कि एक मिनट में आपको उस प्लेट में जितना रखा हुआ है समाप्त करना है। अगर एक मिनट में तीन मिनट में अगर आप समाप्त कर लेते हैं बिरयानी के साथ पीस भी, तो आपको 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। तो पवन जी आप टाइमर चालू कर दीजिए शुभम जी के लिए, आप स्टार्ट कर दीजिए, चालू हो गया है। हम दर्शकों से भी ये चाहेंगे कि आप कोई ऐसा हल्ला मत मचाइए उनके प्रति कि उनको डिस्टर्बेंस हो, हाँ मतलब उनको निगेटिव की तरफ मत ले जाइए, पॉजिटिव की तरफ ले जाइए। और दर्शकों से मेरा कहना है कि मैं एक मिनट बोल दिया हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, तीन मिनट का चैलेंज है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी 24 सेकंड ही हुए हैं। और हमको लग रहा है कि शुभम आज के विजेता के रूप में घोषित होने वाले हैं। ऐसा मत, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 42 सेकंड ही हुआ है अभी, शुभम खा आराम से, पीस मत गिराइए भैया। भैया थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, लेकिन अगर गिरता रहेगा तब नहीं चल पाएगा ना। हाँ आराम से सुबह, कोई टेंशन नहीं ना भैया, समय बहुत है, तनिक थोड़ा नहीं बहुत समय है अभी। अगली बिरयानी के चैलेंजर के विजेता भी यहाँ आ चुके हैं, चलो देखते हैं। खा लिए थे और हमको लगता है इस बार भी जीत कर ही जाएंगे, मतलब इससे थोड़ी सी कम थे और 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लिए, तो देखते हैं आज 3 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इनके बाद भाई साहब के बाद वो नंबर लगाने वाले हैं गजब का। तो शुभम जी जान के चलिए आज जो समय की मार चल रही, आधा समय आपके समय आपके साथ चला जा चुका है, 1.5 मिनट बचा हुआ है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर ऐसे नहीं नहीं दिखाते रहेंगे तो दूसरा पीस रखिए उनके। अच्छा ठीक है ठीक है, अपने आप रख लेंगे। शुभम जी एक मिनट से ज्यादा समय है और दिखाएंगे, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पानी लाइए, पानी दीजिए भैया, मतलब चैलेंजरों में उत्साह की लहर चालू हो चुकी है। शुभम आपसे आशा है तेज धरती का राज बचाने के लिए। भैया यहाँ कैमरा के पास नहीं, उस तरफ जाइए, मजा आएगा, उस तरफ जाइए आप लोग, उस तरफ जाइए। गजब ताली बज रही सुबह आपके लिए, तो यहाँ पर विजेता नहीं अभी और खाना है, उसको पूरा खत्म करिए, अभी समय बहुत है यार आपके पास, समय बहुत है। गजब का हड्डी निकाल दीजिएगा, ताली की गड़गड़ाहट के साथ भाई साहब ने चैलेंज को कम्प्लीट कर लिया है। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और यहाँ पर काफी ज्यादा दर्शक खड़े हैं और सब में लय थी भाई साहब कम्प्लीट कर लेंगे, और भाई साहब कम्प्लीट कर लिए हैं, तो आप लीजिए भैया उसके बाद काम गिरा। जैसे भाई साहब आ गए, भाई साहब मतलब 2.5 मिनट में कम्प्लीट कर लिए हैं, 2.5 मिनट से पहले ही कम्प्लीट कर लिए 2-3 सेकेंड, और भाई साहब को इनाम की राशि दे रहे हैं, और भाई साहब का हम धन्यवाद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो शुभम जी ये बताइए यहाँ पर जो भी चैलेंजर आए
ये सब देख के बहुत हड़बड़ा गए कि अरे यार इतना खाना है, आप क्यों नहीं हड़बड़ाए? अरे मैं और खा लेता है। हाँ, मैं आज कम रनिंग किया। अच्छा अच्छा, उसके बाद अगर आज और ज्यादा किया तो दो तीन प्लेट खा लेते अभी। तो भाई साहब को उत्साह के लिए, भैया जी के उत्साह के लिए एक बार ताली हो जाती है यार। तो देखिए यहाँ पर तेजपुर में जो आज तेजपुर में हमारा बिरयानी का जो चैलेंज था, तो भैया शुभम जी जीत चुके हैं। पैसा पा गए आप? दिखाए नहीं यार। करारी नोट है ना आपकी? आप करारा चैलेंज को स्वीकार किए और करारी जीत किए, इसलिए आपको करारी नोट मिले। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। तो आप हमारे सब्सक्राइबरों के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा प्रोग्राम है ये, अपना आकर रिश्ता बढ़ाए अपना। तो शुभम जी, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, एक चीज और बताना चाह रहे हैं। हमारे जो ये चैलेंज चल रहा है सब्सक्राइबरों के लिए, एक चैलेंज चल रहा है, एक गिवे रखा गया है टीवीएस अपाची बाइक। हमारे वीडियो में, हर वीडियो में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर लिंक है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें और एक टीवीएस बाइक जीतने का मौका पाएं। जैसे कि हमारा यहाँ चैलेंज चल रहा है, मतलब जो भी आता है पार्टिसिपेट करता है कैश प्राइज जीतता है, उसी तरह 1 मिलियन पर, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, यही टीवीएस बाइक हम इनाम रखे हुए हैं अपने व्यूवर्स के लिए। तो हमारी वीडियो देखते हैं, हम अपने व्यूवर को भी एक चैलेंज के रूप में उतारे हैं। शर्त यही है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रजिस्ट्रेशन कर लें और हर वीडियो देखते रहें। हाँ, फट जितनी जल्दी 1 मिलियन पहुंचाएंगे उतनी जल्दी हम अपाची बाइक उनके घर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो व्यूवर्स हैं कितनी जल्दी इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं, और भाई साहब का हम धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं अभी भाई साहब 2.5 मिनट में खाए हैं, लेकिन हम इस चैलेंज में टाइम ना कम करके 3 मिनट का ही टाइम कर रहे हैं। 3 मिनट में और कोई अगर एक प्लेट खा लेता है तो उसको 500 रूपये की राशि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो चलिए देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं। देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आ गए। इनका चेहरा आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अगला जो बिरयानी का चैलेंज था उसमें जीते हुए थे, 1.5 मिनट में ये खाए थे हाफ प्लेट बिरयानी और 500 रूपये का पुरस्कार जीते हुए थे। तो और यहाँ साथ में ही ठेला लगाते हैं भाई साहब, चाट चाउमीन और फुल्की बनाते हैं। तो चुन्नू बिरयानी से ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर चलकर इनका ठेला लगता है, बहुत अच्छा अच्छा आइटम बनाते हैं। तो भैया जी एक बार अपने मुखारबिन से अपना परिचय ग्राम सब बता दीजिए। जी रोहित, तेजपुर इसी ग्राम सभा के निवासी हैं रोहित जी, और बहुत अच्छा फास्ट फूड का नाश्ता का सेंटर है। तो पवन जी इनके लिए टाइमर चालू कर दिया जाए, टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो रोहित जी स्पीड भी पकड़ लिए हैं, तो देखते हैं आज फिर 500 रूपये की राशि लेकर जाएंगे और ऐसे ही जाएंगे, देखते हैं। देखिए ये लक का खेल होता है, कोई ये ना कहे कि अगली बार हम जीते हैं तो इस बार भी जीत लेंगे, क्योंकि लेकिन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, स्पीड बहुत अच्छी है, सिर्फ बिरयानी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और किसी के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, यही चाहिए। ये है कि खेल रहे हैं ये पानी के साथ ज्यादा, नहीं नहीं जैसा है उनको मतलब। हाँ हाँ, मतलब इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो जैसे खा सकता है वैसे खाइए। अभी 2.5 मिनट का समय है, और ये तो अपने दुकान की मंचूरियन की तरह खा रहे हैं यार, बहुत मजेदार खा रहे हैं। चलिए ठीक है, पवन जी क्या लगता है खा लेंगे? हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे भाई साहब। तो अभी इसके पहले एक मिनट होने वाला है, अभी इसके पहले शुभम जो कि कहली ग्राम सभा से चलकर आए हुए थे और हमारे चैलेंज में पार्टिसिपेट किए भाई साहब, और 2.5 मिनट से पहले बिरयानी कंप्लीट कर लिए। और यहाँ दर्शकों में एक ललक है कि तेजपुर की धरती से रोहित जीत जाए। 1 मिनट हुआ है, अभी 1.25 मिनट का समय है भाई साहब का, समय यानी करीब करीब चावल समाप्त होने वाला है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अभी 1 मिनट 37 सेकंड हुए हैं, लेकिन दर्शकों में एकदम समा बच चुकी है, कोई बोल नहीं रहा है, केवल रोहित का चेहरा देख रहे हैं, बिरयानी देख रहे हैं, रोहित जी को देख रहे हैं, मतलब धड़कन को एकदम दबा के रखे हैं कि रोहित जीतेंगे कि हारेंगे, जीतेंगे कि हारे हैं। बात यह है कि समय केवल 1 मिनट बचा है, इसलिए अभी समय 1 मिनट का है और बिरयानी खत्म होने के उस पे है।
जैसे कि रोहित जी आपके साथ दर्शकों का सहयोग है, भैया जी कह रहे हैं गांव का नाम डूबने मत देना, लगता है हड्डी अंदर फंस गई क्या, हड्डी ले गया जल्दी जल्दी, तो हमको लगता है प्लास लाना पड़ेगा, लेकिन किसी तरह अंदर ले लिए। तो रोहित जी हम लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, टाइम समाप्त होने वाला है, फिर थोड़ा मारिए पानी, पानी डालिए, पानी डालिए, पानी डालिए, पानी के साथ जो सरकेगा, पानी के साथ सरकेगा, और चिकन का पीस थोड़ा सा है उसको भी खाना है, ध्यान दीजिएगा। 15 सेकंड का समय है आपके पास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब समाप्त कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया किए हैं, बहुत अच्छा, बहुत गजब यार, ताली बजा दीजिए रोहित जी के लिए। भाई साहब ने कर दिया है, भाई साहब रोहित जी आए और चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 3 मिनट में रोहित जी ने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है, तो रोहित जी का हम धन्यवाद करते हैं और रोहित जी को इनाम की राशि दे रहे हैं। हाँ जा हाथ धो के आ रहे हैं रोहित जी, उसके बाद इनाम की राशि, रोहित जी आए हौसला दिखाए और 3 मिनट में भाई साहब ने कंप्लीट कर लिया है, तो भाई साहब को भी इनाम की राशि दे रहे हैं और भाई साहब का हम धन्यवाद कर रहे हैं। तो एक बार ताली बजा दीजिए यार, ग्राम सभा तेजपुर जहाँ पर हमारा चैलेंज लगा हुआ है, रोहित वहीं के निवासी हैं और 3 मिनट में फुल प्लेट बिरयानी समाप्त किए हैं, हमारे चैलेंज के अंदर हैं और भैया जी जीते हैं यार, पैसा चुरा के रख लिए, एक बार दिखा दीजिए यार। अच्छा अगली बार भी जीते थे तो बहुत आराम से रख लिए थे, इनको लगता है कोई मतलब ले। बात इनके इनके दुकान भी काफी दूर है, सोच रहे रास्ता में कोई छीन लेगा, तो कोई पैसा नहीं छीनेगा, आप चुन्नू बिरयानी के यहाँ चैलेंज में आए हैं। तो रोहित जी आपको जीत कर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या बताएं, तो चैलेंज में आके हाँ एक प्लेट मार दो, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? चलो चैनल है उसको लाइक करें, तो रोहित जी का हम धन्यवाद करते हैं और अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब भी आ रहे हैं, उनको भी 3 मिनट में अगर कम्प्लीट कर लेते हैं तो 500 रूपये की राशि मिलेगी। तो जैसे कि देख रहे हैं अभी जो हमारा चैलेंज चल रहा है, 2 विजेता हो चुके हैं और तीसरे चैलेंजर के रूप में 2 विजेता हो चुके हैं और अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हुए हैं। तो क्या नाम है आपका भैया? नजीरुद्दीन। कहाँ के निवासी हैं? तेजपुर। तेजपुर मतलब इसी धरती के निवासी हैं, इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं भैया जी। नजीरुद्दीन इस समय हमारे चैलेंज में आ चुके हैं, तो पवन जी देर न करते हुए हम चाहेंगे कि आप टाइमर चालू करें कि कुछ, हम तो सोच रहे टाइमर चालू करने से पहले हम सोच रहे थे कि क्या पता कोई एक प्लेट ना खा पाए, इसलिए हम सोच रहे थे जो ज्यादा खाएगा उसको इनाम की राशि देंगे, लेकिन 2 चैलेंजर ऐसे आए कि मतलब 3 मिनट नहीं लगा उससे पहले ही खा लिए, और भाई साहब भी आए हैं और पूरा हौसला है कि भाई साहब भी कम्प्लीट कर लेंगे और इनाम की राशि लेकर ही जाएंगे, तो देर न करते हुए भाई साहब के लिए हम टाइमर स्टार्ट कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो भाई साहब खाना भी चालू कर दिए हैं और भाई साहब अभी स्लो मोशन में कर रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी स्पीड में ले जाएंगे, स्पीड 80 की स्पीड ही लगाएंगे, स्पीड पकड़ना भी चाह रहे हैं और छोड़ना भी चाह रहे हैं, हमको लगता है दिल में कुछ खलबली भी मच रही है। नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं भाई। और बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई साहब, अभी 35 सेकंड ही हुए हैं, 35 सेकंड हुआ है, बिना एक्सल पावर के ही भैया जीतने वाले हैं, तो देखते हैं कितने सेकंड में भाई साहब खत्म करते हैं। पवन जी हम थोड़ा सा आपसे ये कहेंगे कि वो जो ग्रेवी वाला प्लेट है बड़ा वाला, हल्का सा आपको हटाना नहीं, चाहिए नहीं। बस बस सही है, सही है, अपने हिसाब से कहीं उनको ग्रेवी लेने में दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था आप देखते रहिए। अभी 1 मिनट 10 सेकंड हुए हैं, अभी समय 1.25 मिनट का है। अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया जी, आराम से खा रहे हैं, जान रहे हैं कि हम अपने टारगेट से ही चल रहे हैं और टारगेट को पूरा कर भी देंगे, तो देखते हैं कितने मतलब 2 मिनट कितने सेकंड में भाई साहब, क्या जो पहले चैलेंजर आए थे जो सबसे पहले विजयी हुए थे उनसे पहले खा पाएंगे या भाई साहब उनसे लेट खा पाएंगे? यही सबसे पहले शुभम जी आए थे काहली की धरती से चलकर जो जीते हैं, कितने सेकंड में जीते, कितने मिनट में जीते हैं? 2 मिनट 27 सेकंड में भाई साहब ने खा लिया, 2 मिनट 27 सेकंड में शुभम जी खाए थे और रोहित जी खाए थे 2 मिनट
कौन सा सेकंड? मतलब केवल एक ही सेकंड की बाकी थी, तो आपके पास भी मान के चलिए 2 मिनट समाप्त हो चुका है। मेरे हिसाब से भाई साहब बिल्कुल आराम आराम से खाएंगे तो तब भी खा लेंगे, क्योंकि 2 मिनट ही हुए, अभी 1 मिनट पूरा पड़ा हुआ है और बिरयानी करीब करीब समाप्त हो गई है। कई बार लोग कहते हैं ड्राइवर नहीं बताते, इसलिए बार बार रिमाइंड करते रहते हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, और भाई साहब बिल्कुल 100% खा लेंगे और इनाम की राशि भी लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज चुन्नू बिरयानी जी के दुकान पे जो चैलेंज लगा है, ये बहुत ही मजेदार चैलेंज हो गया है पवन जी, ये जान के चलिए। भाई साहब थोड़ा सा पानी पीने में ज्यादा समय गंवा रहे हैं, अगर थोड़ा एक्सल पावर दिखाएंगे तो कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो लग नहीं रहा है हमें कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं, अब थोड़ा सा डाउट लग रहा है हमें, क्योंकि 10 सेकंड का टाइम है भाई साहब। भाई साहब आपका समय समाप्त हो गया है, थोड़ी सी बिरयानी से रह गए भाई साहब, और भाई साहब के हौसले के लिए हम धन्यवाद करेंगे। और भाई साहब थोड़ा सा जैसे मतलब खाए, नॉर्मली खाए, लेकिन थोड़ी सी अगर एक्सल पावर दिखाए होते तो बिल्कुल कंप्लीट कर लेते। और भाई साहब हमारे चैलेंज में आए, भाई साहब का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक बार ताली तो बजा दीजिए यार भैया जी के लिए।